हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी के लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अभी आप सभी को मालूम है बारिश का मौसम है, नदियों का पानी बह रहा है बाढ़ आने की वजह से, और सबका पसंदीदा गेम यानी तिलापिया फिशिंग, रोहू फिशिंग, मिरगल फिशिंग के लिए जो कहते हैं हेडलाइन पे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चारा लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो, ये पूरा वीडियो एंड तक देखें दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, ये है जवारी का आटा, पूरा ग्राइंड करके लिया है इसको, और ये है अपना कंट्रोल वाले जो चावल मिलते हैं, ये भी इसको भी ग्राइंड करके लिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे और गर्म पानी में इसको गूंदेंगे अच्छे से। इसको ऐसे ऐड कर लेना है, क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, एक जान कर लेना इसको पूरा। अभी पानी उबाल के लेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से डालना है, ऐसा नहीं कि ज्यादा रगड़ा हो जाए। ये पानी अभी बॉयल होने लगा है दोस्तों, अभी इसको निकालेंगे और इसमें गूंदेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। इसको डालकर गूंद लेंगे हम। पानी गर्म होने की वजह से ज्यादा चिकना हो जाता है, आपका हाथ भी जल सकता है दोस्तों, इसलिए केयरफुली। और पानी ऐड करेंगे दोस्तों, तिलापिया, रोहू फिशिंग, मिरगल फिशिंग के लिए एकदम जादुई चारा होगा ये। ऐसा गोला हो जाएगा दोस्तों। अभी इसको क्या करेंगे, एक आधा इंच से थोड़ा कम इसकी जाड़ी से, जाड़ी के हिसाब से इसको बेल लेंगे, और तवे पे ज़्यादा देर नहीं सेकना है इसको, उसको फूलने नहीं देना है। तवा ऑन हो गया दोस्तों, इसको देख सकते हो दोस्तों, ये अपनी रोटी तैयार है। अब इसको क्या करेंगे, तवे पे डालेंगे, ज्यादा रोस्ट नहीं करना है इसको, थोड़ा पानी लगाएंगे ऊपर, नीचे ऊपर दोनों तरफ से सेकना है इसको। दूसरी साइड से इसको पलट दिया है दोस्तों, देख सकते हो कितने अच्छे से रोस्ट हुए। ये देखो दोस्तों, जिसको ऊपर से अपन पानी का लेयर लगाया था, ये साइड लगभग ये तैयार हो गई है। अभी इसको अभी निकालेंगे और मैं इसको आपका सेटअप भी बना के दिखाऊंगा। अभी इसको निकालेंगे दोस्तों, अब इसको निकाल लेंगे दोस्तों, माशाल्लाह रोटी देख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, कट करेंगे अपने हिसाब से। अभी वापस से इसको क्या करना है, आधा आधा इंच कट कर लेंगे, ये देख सकते हो आप। और ये देख सकते हो दोस्तों, चिनू हुक्स,
फोर नंबर साइज है ये, यही यूज़ करता हूँ मैं, ये देख सकते हो आप। अब इसको क्या करेंगे, और ये वेट है, पानी में ज़्यादा धार होने की वजह से या बारिश की वजह से जो शिकार करते हैं तिलापिया के लिए, रोहू फिशिंग, मृगल फिशिंग के लिए, उनके लिए सेटअप बताऊंगा। अभी देख सकते हो तीन गल का सेटअप बनाएंगे अपन, देख सकते हो दोस्तों। क्या करेंगे ये साइज में बांध देंगे, तीन इंच की दूरी पे, और दो इंच भी रख सकते हो, और वेट बांधेंगे। ज़्यादा धार होने की वजह से वेट ज़्यादा बांधना पड़ता है, देख सकते हो ये सेटअप हो गया। इसको मैं आपको बाइट लगा के दिखा दूँ, देख सकते हो आप, दो लगा सकते हो, एक लगा सकते हो, तीन लगा सकते हो, आपके हिसाब से। देख सकते हो दोस्तों, दूसरा लगा के बताता हूँ मैं आपको। आपने जो हुक साइज़ का लिया हुआ है वैसे हुक से बाइट बना के लगाना, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ये मैंने मेरी साइज़ का लिया है तो यही साइज़ का बनाया हुआ है मैंने, ये देख सकते हो ऐसा हो जाएगा। कितनी भी धार हो, खेलो, तिलापिया, मृगल, रोहू फिशिंग आराम से अटैक करेगी। जादुई चारा, जादुई चारा तो नहीं कहेंगे इसको, माशाल्लाह।